हाय गाइस, दिस इज प्रिया. वेलकम बैक टू माय चैनल लिड ऑन योर सेल्फ. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जोमसो के डिज़ाइनर लेटेस्ट डिज़ाइनर लहंगाज एंड सूट्स जो जोमसो पर रिसेंटली लॉन्च हुए हैं. मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल न्यू एंड लेटेस्ट. सो या विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड यस गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी. सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये लाइट ग्रीन कलर का लहंगा और ये अम्ब्रेला कट लहंगा है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लहंगा है. क्वालिटी इसकी एकदम सुपर क्वालिटी का है. मुझे ये लहंगा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. लाइक अभी तक जितने भी मुझे ये जो मेरे पास अभी कलेक्शन है इसमें से मुझे सबसे बेस्ट यही वाला लहंगा लगा है. सो मैं आपको दिखाती हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज़ दिखाती हूँ, आपको इसका ब्लाउज़ कैसा मिलेगा. सो ये है ब्लाउज़ और इसके ऊपर आपको पूरा ब्लाउज़ पर सीक्वेंस वर्क मिलेगा. इस तरह का वर्क आपको इस पूरे ब्लाउज़ पर मिलेगा, पूरा सीक्वेंस वर्क किया गया है. फ्रंट पर भी आपको इसी तरह का डिज़ाइन मिलेगा एंड बैक पर भी आपको यही डिज़ाइन मिलेगा सीक्वेंस वर्क का, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है. बहुत प्यारी शाइनिंग है इस ब्लाउज़ के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है. एंड इसका जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो है बलगोरी सिल्क. तो ये बलगोरी सिल्क का कपड़ा है. बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सिल्क का एक जो कपड़ा होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है. थोड़ा सॉफ्ट है. एंड इसकी स्लीव्स आपको इस तरह की मिलेंगी. स्लीव्स पर भी आपको पूरा सीक्वेंस वर्क मिलता है और स्लीव्स आपको हाफ स्लीव्स मिलती हैं इसमें. आप देख सकते हैं स्लीव्स आपको हाफ मिलती है और ये स्टिच कराने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा. और ब्लाउज़ इसका काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है. गोल्डन कलर में आपको इसका ब्लाउज़ मिलेगा और लहंगा जो है वो है लोकी ग्रीन कलर में. लाइट ग्रीन कलर होता है जो उस कलर में है. नेक्स्ट मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ. ओह माय गॉड, दुपट्टा इतना ज़्यादा सुंदर है ना. लहंगे से ज़्यादा सुंदर तो इसका दुपट्टा ही है. दुपट्टा मेरे को इतना ज़्यादा प्यारा लगा और इसको अगर हम किसी और ड्रेस के साथ भी मैच करके पहने तो इतना ज़्यादा प्रिटी लगे. बहुत ही ज़्यादा प्यारा दुपट्टा है. सॉफ्ट नेट का दुपट्टा है, बिल्कुल सॉफ्ट नेट है और इसके ऊपर आपको इस तरह का सीक्वेंस वर्क मिलता है. आप देख सकते हैं इसके बॉर्डर्स पर आपको सीक्वेंस वर्क मिलेगा जो कि इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है. दोनों साइड पर आपको ये वर्क मिलेगा, दोनों साइड पर आपको इसको वर्क मिलेगा और लेंथ इसकी काफ़ी लंबी है. प्लस आपको इस दुपट्टे के साथ ये झालर वाला फ्रिल वाला डिज़ाइन मिलेगा. आप देख सकते हैं ये रफल भी बोलते हैं इनको, फ्रिल भी बोलते हैं, झालर भी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो. तो ये वो डिज़ाइन मिलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है. और दुपट्टा डालने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ. यस, सो आप देख सकते हैं दुपट्टा कितना ज़्यादा प्यारा है और बिल्कुल सॉफ्ट दुपट्टा है. सॉफ्ट फैब्रिक वाला दुपट्टा है, बिल्कुल चुभने वाला नहीं है. बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा मुझे इसका दुपट्टा. एंड ये जो इसके अंदर रफल वाला वर्क डिज़ाइन दिया गया है इससे इस दुपट्टे को और भी ज़्यादा एलिगेंट लुक मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. और मुझे इस लहंगे का दुपट्टा सबसे बेस्ट लगा. नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ लहंगा. तो लहंगा है ये, तो ये है लहंगा ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का ये लहंगा है. इसके ऊपर वर्क किया गया है, थ्रेड वर्क किया गया है गोल्डन कलर से. अगर आपको याद हो तो मैंने एक लहंगा हॉल ऑलरेडी जोमसो का शेयर किया था, उसमें एक येलो कलर का लहंगा था. उसके ऊपर भी इसी तरह का डिज़ाइन किया गया था. अगर आपने देखी हो वीडियो, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं. तो ये उसी तरह का डिज़ाइन लग रहा है बिल्कुल. बस उसका जो फैब्रिक था वो सिल्क था. ये नेट का फैब्रिक है और ये नेट पतली वाली नेट है. सॉफ्ट नेट होती है बिल्कुल वैसी नेट है, मोटी वाली नेट नहीं है. बहुत सॉफ्ट है ये फैब्रिक एंड इसका फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. लाइक इतना ज़्यादा इसका फ्लेयर आपको मिल रहा है. और नीचे आपको सेम जो दुपट्टे पे रफल डिज़ाइन था वही डिज़ाइन आपको मिल रहा है. इसका अम्ब्रेला कट है और ये रफल डिज़ाइन आपको इस पर मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है. एंड इसके अंदर आपको इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी सी थ्रू फैब्रिक है, लाइक काफ़ी ज़्यादा पतला फैब्रिक है. तो आपको इसके अंदर एक और लाइनिंग लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ तक कि मुझे लगता है लगवाने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सी थ्रू फैब्रिक है इसका. एंड इसके अंदर आपको केन ऑलरेडी अवेलेबल मिलती है, तो केन लगवाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी. आपको इसके अंदर केन मिल रही है. तो ये जोमसो की सबसे बेस्ट बात मुझे लगती है कि आपको
केन केन अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनके लहंगाज में, वरना अदर वेबसाइट्स पर तो आपको अलग से केन केन लगवाना पड़ता है, क्योंकि आपको केन केन लगा हुआ नहीं मिलता है जो आप किसी और वेबसाइट से खरीदते हैं, बट जोनसो पर आपको केन केन लगा हुआ मिलेगा, जो कि बेस्ट बात है। बस इस लहंगा की प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा सी थ्रू है, तो आपको इसके अंदर लाइनिंग लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओवरऑल काफ़ी प्रिटी लहंगा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और एक पार्टी वियर लहंगा है, तो आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो। इसका वेट जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है ये लहंगा। सो या ओवरऑल दुपट्टा, ओवरऑल लहंगा काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। इसका इसका जो दुपट्टा है वो आप ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ कितना ज़्यादा प्रिटी है। लहंगे से भी ज़्यादा प्रिटी मुझे इसका दुपट्टा लगा, जो इसके ऊपर ये वर्क किया गया है, उसकी वजह से इस दुपट्टे में क्या लुक आ रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये दुपट्टा। एंड इसका जो ब्लाउज़ है काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, इसके ऊपर भी पूरा सीक्वेंस वर्क किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो ये तो था फर्स्ट लहंगा। अब मैं आपको सेकंड लहंगा दिखाती हूँ। एंड गाइस जो भी डिटेल्स होंगी लहंगा की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, अगर स्क्रीन पर मेंशन कर पाई तो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको पक्का मिलेगा सारी डिटेल्स, जो भी आपको इसका फ्लेयर, इसका जो इंच, इसका साइज़ एंड ऑल सब आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिलेगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड लहंगा, और सेकेंड लहंगा है ये ब्यूटीफुल सा जरी लहंगा, और ये डार्क ग्रीन कलर में है, अगेन ग्रीन कलर है बट ये थोड़ा सा डार्क कलर है। एंड मैं आपको इस लहंगे का दुपट्टा दिखाती हूँ। जो दुपट्टा है वो है ये जॉर्जेट का दुपट्टा, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक होता है जॉर्जेट का, सब लेडीज़ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ये वाला फैब्रिक, और मेरी मम्मी को भी पर्सनली ये वाला फैब्रिक बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, बिल्कुल भी चुभता नहीं है, एकदम सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी होता है। तो इस दुपट्टा पर जो है आपको गोटा जरी वर्क मिलेगा, उसके ऊपर पूरे पर आपको इसका बॉर्डर भी गोटा जरी वर्क का मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाया गया है इसके ऊपर, और इसके पूरे पूरे दुपट्टे पर स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स बनाए गए हैं, और इसके ऊपर पूरा वर्क, पूरा दुपट्टा ऐसा ही है, इस तरह का वर्क फ्लावर्स बनाए गए हैं, और पूरे दुपट्टे पर बॉर्डर दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत सिंपल एंड एलिगेंट लुक है इस दुपट्टे का। नेक्स्ट आपको इसका ब्लाउज़ जो है इसके साथ अटैच मिलता है, मैंने इसको डिटैच नहीं किया तो इसके साथ अटैच ही है ये अभी तक, तो इसका जो ब्लाउज़ है वो भी आपको इसी तरह का मिलेगा, गोटा जरी वर्क पूरे ब्लाउज़ पर किया गया है। आपको इसकी जो फ्रंट साइड है, जो आपको इसकी फ्रंट साइड मिल रही है उस पर भी पूरा वर्क जरी वर्क किया गया है, एंड इसकी जो बैक साइड है उस पर भी जरी वर्क किया गया है। इसके स्लीव्स पर भी आपको जरी वर्क मिलता है, और फैब्रिक जो है काफ़ी नॉर्मल सा फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा मैं फैब्रिक इसको नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, और इसके अंदर आपको लाइनिंग लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप इसे ऐसे स्टिच नहीं करवा सकते हैं। सो ये था इसका ब्लाउज़ एंड दुपट्टा। एंड नेक्स्ट अब मैं लहंगा दिखाती हूँ आपको, तो लहंगा कुछ इस तरह का है, प्योर गोल्डन कलर में है ये लहंगा, और इसके जो ऊपर से बिल्कुल प्लेन लहंगा है, इसके ऊपर कोई वर्क नहीं है, नीचे लेंथ पर जब आप आते हैं तो आपको इसका जरी वर्क दिखेगा इस तरह का, इसके ऊपर जरी वर्क किया गया है। ऑनेस्टली मुझे ये लहंगा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स फैब्रिक या फिर कुछ भी, मेरे को इसका डिज़ाइन थोड़ा सा काम अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे इसका डिज़ाइन, बट अगर किसी पर्सनल चॉइस ये है इस तरह की फैब्रिक, इस तरह का कपड़ा, इस तरह का डिज़ाइन किसी को पसंद आता है तो वो ये ले सकता है, क्योंकि फैब्रिक में कोई कमी नहीं है, अच्छा फैब्रिक है, और ये इसके ऊपर इसकी जो वेस्ट है उसके ऊपर भी आपको इस तरह का बॉर्डर मिलता है, आप देख सकते हैं इस तरह का आपको इसकी वेस्ट पर डिज़ाइन बॉर्डर मिलता है। अगेन इसके अंदर आपको केन केन अवेलेबल मिलता है, तो आपको अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड इसके अंदर भी आपको लाइनिंग मिलती है, बट इसका जो फैब्रिक है वो सी थ्रू नहीं है। ग्रीन वाला जो लहंगा उसमें भी लाइनिंग है, बट उसका जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा सी थ्रू है, तो आपको उसके अंदर दूसरी लाइनिंग लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओवरऑल काफ़ी प्रिटी लहंगा है, ब्यूटीफुल सा लहंगा है, बट मेरी चॉइस इस तरह की नहीं है, तो मुझे ये लहंगा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। सो या इसका जो फ्लेयर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ्लेयर है, काफ़ी लंबा चौड़ा घेरा है इसके अंदर, तो ये इजिली ट्रिपल एक्सल को भी आ सकता है, इतना बड़ा इसका घेर आपको मिल रहा है, बहुत लाइक इसका घेर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत बहुत फ्लेयर ही लहंगा है ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत सुंदर लहंगा लगा मुझे ये भी, बट अगेन मैं आपको बोल रही हूँ मेरी चॉइस इस तरह की नहीं है, तो मुझे ये वाला लहंगा थोड़ा सा कम पसंद आया एज कम्पेयर टू दिस ग्रीन लहंगा। सो ये तो था सेकेंड लहंगा, और
ओवरऑल काफ़ी अच्छा लहंगा है। तो नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ एक सूट जो कि मैंने फर्स्ट टाइम जोमटो से लिया है। एक सूट लिया है मैंने जोमटो से फर्स्ट टाइम। मैंने हमेशा लहंगा का ही रिव्यू किया था, मैंने सोचा इस बार तो सिंपल ड्रेस भी ट्राई करते हैं। तो मैंने एक लहंगा दो लहंगा और एक सूट लिया है वो सूट, और इस सूट का जो फैब्रिक है वो है ग्लेस कॉटन। तो ये ग्लेस कॉटन का फैब्रिक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जैकेट की जो कि सूट के साथ है। जो इस सूट की पिक्चर है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सूट कैसा लगेगा डालने के बाद। और स्टिच कराने के बाद तो आपको ये सेमी स्टिच मिलती है। तो इस तरह की जैकेट है इसकी, इसके ऊपर इतना कढ़ाई वर्क किया गया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जो कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए गए हैं। और यहाँ फ्रंट से आप इसको कट करवा सकते हैं, जैकेट है क्योंकि आपको इसको फ्रंट से कट कराना है। लाइक आपको स्टिचिंग दिख ही रही होगी, स्टिचिंग दी गई है इसकी सेंटर में, तो आपको इसे कट कराना है। और इसकी स्लीव्स भी आपको दी गई हैं। लाइक यहाँ से आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि कट स्लीव्स का डिज़ाइन दिया गया है, तो आपको यहाँ से नॉर्मल कट कराना है और इसे स्टिच कराना है। तो इसे आपको स्टिच कराना होगा। और इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए गए हैं इसके ऊपर, और एक जाली वर्क किया गया है। आप देख सकते हैं फ्रंट में जाली वर्क किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है, ग्लेस कॉटन का फैब्रिक है ये, ग्लेस कॉटन बोलते हैं इस फैब्रिक को। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है और सॉफ्ट भी बहुत है। तो ये है सूट की जैकेट जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, डिज़ाइन काफ़ी सुंदर किया गया है इसके ऊपर। अब मैं आपको सूट की कुर्ती दिखाती हूँ। तो आप फैब्रिक बिल्कुल प्लेन है, इस पर कोई वर्क नहीं किया गया है क्योंकि ऊपर से इसको जैकेट दी गई है वर्क वाली, तो ये बिल्कुल प्लेन आपको मिलेगी और आपको इसे स्टिच कराना पड़ेगा। और ये कॉटन ग्लेस कॉटन का फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड श्रिंक ये वाला फैब्रिक जो बहुत जल्दी ज़्यादा श्रिंक नहीं होता है फैब्रिक है। और इसका जो कलर है बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे, पिंक कलर, इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी इसकी सलवार की या फिर इसकी लेगिंग्स की, जैसे भी आप इसे स्टिच कराना चाह जाए अपनी अपनी तरह से। तो इसकी सलवार आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, इसके ऊपर आपको छोटे छोटे से कढ़ाई वाला वर्क मिलेगा। और इसकी सलवार इसकी लेंथ इसका भी फैब्रिक सेम है जैसे कि कुर्ती का फैब्रिक है, बिल्कुल सेम वैसा ही फैब्रिक और काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। और सलवार भी आपको पिंक कलर में मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा कलर लग रहा है। तो ये है इसकी सलवार और मुझे सलवार भी काफ़ी अच्छी लगी। नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। तो इसका दुपट्टा जो आपको ब्लू कलर में मिलेगा, और दुपट्टा जो है प्रिंटेड, लाइक आप इसे मल्टी कलर का दुपट्टा कह सकते हैं। और दुपट्टा कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दुपट्टा है, एकदम मलमल वाला कपड़ा जो होता है ना बिल्कुल वैसा दुपट्टा है। बहुत ज़्यादा थिन भी है और लाइट वेट भी है बहुत, लाइक इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत सुंदर दुपट्टा है। इसके ऊपर प्रिंट किया गया, प्रिंटेड दुपट्टा है ये, प्रिंटेड दुपट्टा आपको मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने अपने हाथ में कुछ पकड़ा भी हुआ है, इतना ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा है, एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन तीनों ड्रेसेस में से सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, कौन सी ड्रेस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।